चैनल तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। एंड आज है धनतेरस, सो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। सो फिलहाल आज हम लोग जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो चलो फिर शॉपिंग करके आते हैं एंड देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो दिवाली की शॉपिंग हम लोग करेंगे तुराव नगर से। सो तुराव नगर यहाँ का फेमस मार्केट है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जानी है, लाइक जो सेलिब्रिटी लहंगा या साड़ी जो भी कुछ वियर करते हैं ना, यहाँ पे उसकी आपको टू कॉपी जो है मिल जाएगी। सो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं तुराव नगर अपनी दिवाली की शॉपिंग के लिए, तो चलो फिर चलते हैं। हम पहुंच गए तुराव नगर और यहाँ पर बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की गई है लाइट की, तो रात में ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेट देखने के लिए, सर्विंग सेट मुझे चाहिए था। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर सेट अवेलेबल थे, बट सब कुछ ऐसे प्लास्टिक में था और मुझे जो है कांच में चाहिए थे ये बाउल, एंड जो प्लेट्स भी उसकी मुझे कांच में चाहिए थी, बट वो अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि शॉपिंग वगैरह तो देखो यार होती रहेगी, अभी हम लोग कर लेते हैं पेट पूजा। तो यहाँ तुराव नगर में बहुत ही फेमस ये शॉप है जहाँ पर ये चाट बहुत टेस्टी मिलती है, तो वहाँ से ऑर्डर की हम लोगों ने टिक्की एंड ये मूंग दाल का चीला और यहाँ पर खूब अच्छे से खाया। पेट पूजा करने के बाद हमने अपनी शॉपिंग फिर से स्टार्ट कर दी और अभी हम लोग देख रहे हैं अपने कुशन कवर। कुशन कवर मुझे मैरून कलर में चाहिए था बिकॉज जो मेरा ड्राइंग रूम है उसमें गोल्डन एंड मैरून कलर के पर्दे लगे हुए हैं, तो उसी के मैचिंग का मैं यहाँ पर कुछ देख रही थी। तो ये वेलवेट वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट दिवाली के बाद हम इसको डेली यूज़ नहीं कर पाते तो इसीलिए हमने ये स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने गोल्डन एंड मैरून कलर का ही कुशन कवर लिया था एंड पे करने के बाद मुझे यहाँ पर 20 रुपीज़ का ये कॉइन मिला जो कि मैंने पहली बार देखा। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम गए पूजा हैंड एंड क्राफ्ट पे। यहाँ पर ना सारी डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे ये शुभ लाभ जो कि मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। एंड यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर ये तोरण भी अवेलेबल थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तुराव नगर से निकलने के बाद हम लोग गए थे डी मार्ट बिकॉज जो सर्विंग बाउल्स एंड ट्रे थे वो मुझे तुराव नगर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले, तो मैंने सोचा चलो एक बार डी मार्ट को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा सिक्योरिटी चेक हो रहा था एंड यार मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग पूरा बैग को ऐसे पैक क्यों कर देते हैं, बिकॉज जब पे हम करते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको बार बार जो है जा करके कट कराना पड़ता है। सो पता नहीं मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं। सो यस, डी मार्ट में एंट्री हम लोगों ने अभी यहाँ पर कर लिया एंड हम जो है यहाँ पर सारा सामान चेक कर रहे हैं। एंड हम लोगों को ना यहाँ पर बेडशीट भी लेनी थी और डी मार्ट में ना बेडशीट के जो प्राइजेज एंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो हम लोग जो है यहाँ पर वही बेडशीट चेक कर रहे हैं। एंड मुझे ना थोड़ा ऐसा लाइट कलर चाहिए था, मतलब बेड पे अगर बेडशीट लाइट कलर की हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पर हम वही चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ से हमने परचेज़ की थी दो डबल बेडशीट, सो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे वो हमें मिल गई थी। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्रॉकरी लाइक ग्लासेस और कप्स वगैरह जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। डेकोरेशन का भी काफ़ी अच्छा सामान जो है यहाँ पर अवेलेबल था, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल था। सो ये कप जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, बट इनका साइज़ जो है थोड़ा छोटा था तो इसीलिए हमने ये परचेज़ नहीं किए, तो हमने वाइट कलर में ही कोई दूसरा डिज़ाइन जो है यहाँ पर परचेज़ किया है। एंड कप्स भी ना काफ़ी अच्छे अच्छी डिज़ाइन में यहाँ पर अवेलेबल थे एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल थे। एंड उस दिन ना डी मार्ट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बिलिंग कराते हुए भी ना हम लोगों को आधा घंटा लग गया था। उसके बाद हम गए अपने घर के पास का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए एंड अभी यहाँ पर मौसी परचेज़ कर रही हैं ये मिट्टी के दिए। यहाँ पे ना डिफरेंट वेराइटीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, लाइक तोरण हो गया या डेकोरेशन से रिलेटेड जो भी सामान है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट वेराइटीज़ आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। सो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पर कैंडल्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए कैंडल्स परचेज़ की। ये मैंने फ्रेग्रेंस वाला कैंडल यहाँ से लिया, काफ़ी अच्छी स्मेल थी इसकी। सो मार्केट में हम एक्चुअली इसलिए निकलते हैं कि हम देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या नया आया है, तो यहाँ पर जो है स्पार्कल वाले कलर्स आए थे बट मैंने ये परचेज़ नहीं किए, मैंने जो रोड साइड्स पे जो कलर बेचते हैं ना वहाँ से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स लिए। रात में फिर से हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। क्या आप गैस कर सकते हैं किस चीज़ की शॉपिंग? चलो मैं बता देती हूँ, मैं शॉप करने के लिए जा रही हूँ सर्विंग बाउल एंड ट्रे। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं गौर मॉल एंड हमने पूरा गौर मॉल यहाँ पर छान लिया, हम लोगों को एक भी क्रॉकरी की शॉप नहीं मिली।
फिर उसके बाद हम लोग गए हैं चोपला मंदिर। एंड चोपला मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस एंड पुराना मार्केट है। पहली शॉप में घुसते के साथ ही मुझे वो सर्विंग ट्रे एंड बाउल यहाँ पर मिल गया है फाइनली। सो यस, मैंने वो यहाँ से परचेज़ किया है। एंड परचेज़ करने के बाद एंड अभी हम लोग जाएंगे डोनाल्ड्स। सो डोनाल्ड्स जो है ना मेरी फेवरेट शॉप है फॉर रिलेटेड टू द कुकीज़ और केक। इसके जैसा केक मैंने कहीं नहीं खाया है। यहाँ से मैंने बहुत सारी कुकीज़ एंड अपने लिए पेस्ट्री परचेज की। उसके बाद हम घर आ गए एंड अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डेकोरेशन का काम। सो गाइस, हमारी शॉपिंग वगैरह सारी डन हो चुकी है। मैंने बहुत सारा सामान परचेज किया है डेकोरेशन से रिलेटेड एंड अपने घर के लिए आल्सो। मैंने मीशो से भी बहुत सारा सामान जो है डेकोरेशन का मंगाया था, तो आज वो सारा सामान यूज होने वाला है। सो पार्टीशन के लिए ना मेरे घर में एक ऐसा काइंड ऑफ अ डोर बना हुआ है, तो वहां पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो है इस टाइप के फ्लावर एंड ये ग्रीन वाला जो बेल होता है ना वो यहाँ पर लगाऊं। एंड इसके साथ साथ मैंने मीशो से लाइट वाली भी ये स्ट्रिंग्स मंगाए थे, पत्ते वाला स्ट्रिंग मंगाया था, तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ वो भी लगा दूंगी, तो जब लाइट जलेगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सो चलो फिर लगाते हैं। डेकोरेट होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर एंड प्रिटी। कुछ लोग सोचेंगे कि हमेशा ये ब्राउन और क्रीम कलर के पर्दे ही अपने घर में क्यों लगाती है, तो मैं बता देती हूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इस वाले रूम में क्या था कि विंडो के लिए ऑलरेडी ये क्रीम वाले पर्दे लगे हुए थे, तो इसीलिए मैंने वो कॉम्बिनेशन बन जाए मेरा, इसीलिए मैंने ब्राउन एंड क्रीम कलर मंगाया। अगर मैं कोई और डिज़ाइन मंगाती है और कोई कलर मंगाती तो वो इसके साथ नहीं जाता, तो इसीलिए यही रीज़न है कि मैंने ब्राउन एंड क्रीम कलर चूज़ किया है और कोई रीज़न नहीं है। बाकी अलग रूम्स में जो है डिफरेंट डिज़ाइंस के पर्दे लगे हुए हैं, सो यस यही रीज़न है। सो आज जो मैंने कुशन कवर परचेज़ किए हैं वो हैं ये, पूरे मेहरून कलर के हैं एंड गोल्डन कलर पे इस पर डिज़ाइन बना हुए। लास्ट वाले कुशन कवर भी मेरे मेहरून कलर के थे एंड उस पर ये स्टोन्स लगे हुए हैं zigzag डिज़ाइन में। सो यस, मैं जो है ना थोड़ा ऐसा मेहरून वाइट एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन ही अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। सेम कलर है पहले जैसा ही, बट डिज़ाइन यहाँ पर चेंज है। सो यस गाइस, मेरी मतलब ऐसे ही पसंद है। आई डोंट नो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, बट हाँ मैं एक एक थीम बनाना चाहती थी जो मैंने बनाया है। सो ये मैंने बाहर कुछ ऐसे डेकोरेट किया है। अभी डेकोरेशन बाकी है मेरे बाहर की, तो वो मैं कर लेती हूँ। एकदम कोने पे, थोड़े से ऊंचाई पे। हाँ, नहीं। विंडो की डेकोरेशन करवाने के बाद मैं लगवाऊंगी पापा से ये ब्लू कलर की लाइट, क्योंकि इतनी ऊपर मेरा हाथ जा नहीं रहा था, तो मैंने पापा को बुला लिया अपनी हेल्प करवाने के लिए। सो अभी मैं यहाँ पर ये फ्लावर की स्ट्रिंग लगवा रही हूँ एक एक करके, उसके बाद zigzag करके मैं वो लाइट लगवाऊंगी। बट यहाँ पे प्लान हुआ चेंज, मैंने ब्लू लाइट को ड्रॉप करके जो है यहाँ पे मल्टी कलर वाला लाइट लगवाया है। सो गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से इस वॉल को डेकोरेट किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दूसरा वॉल मेरा कुछ इस टाइप से है।
गाइस, धनतेरस से आज तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेना तो डेफिनेटली बनता ही है। तो हम चले गए थे पास वाले मार्केट में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, तो वो हमने यहाँ से परचेज की। एंड उस दिन जो है बर्तन भी लेने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमने बर्तन यहाँ से परचेज किया। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्द से जा करके मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो मेरा, वो दिवाली का होगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फन होने वाला है उसमें। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। हैप्पी धनतेरस।